गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट साइंस क्लास। चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि जो रिप्रोडक्शंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में होता है। ऑल लिविंग थिंग्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स एंड देन डाई। हमने देखा है कि सारे लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए लाइव करते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव्स इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और इस जो टाइम्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड बिफोर दे डाई। हमने देखा है कि जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी होती है, वो लिविंग थिंग्स मस्ट बी प्रोड्यूस मोर देयर ऑन काइंड्स ऑफ बिफोर दे डाई, यानी कि अपने टाइप्स के ही काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाई विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर देयर ऑन काइंड्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो अपने जैसे काइंड की को रिप्रोड्यूस करती है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वे, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं टू वे में। फर्स्ट है, सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग्स वंस। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं अपने बेबी को बर्थ देते हैं बाय एग के थ्रू, यानी कि पहले एग के थ्रू वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है, वीविपोरस एनिमल्स। वीविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड वीविपोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबी को या यंग वंस को बर्थ देते हैं, उसे हम वीविपोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बींग प्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू अ बेबी। अब हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने बेबी को बर्थ देते हैं। द एनिमल, अब कुछ और भी एनिमल्स हैं जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे डॉग्स, कैट, काउ, हॉर्स, डियर, लॉयन, टाइगर, इटीसी। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, और ये अपने सारे बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। द यंग बेबीज ऑफ दीज एनिमल फीड ऑन देयर मदर्स। अब क्या करती है, जो यंग बेबीज होते हैं, जो मदर्स होती है, उनको फीड करती है। मिल्क टे दे लर्न टू ईट अदर फूड, और मिल्क के साथ साथ वो कुछ अदर फूड भी ईट करते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल। दे गार्ड देयर बेबीज, ये अपनी बेबी की गार्ड्स करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एंड कीप देम क्लीन, और उनको साफ रखते हैं। दे लुक आफ्टर देम अनटिल दे आर ओल्ड एनफ टू लुक आफ्टर देम सेल्फ। ह्यूमन बींग आर ऑल्सो मैमल्स, और ह्यूमन बींग क्या है, एक मैमल्स है। इसमें आपने फिगर्स में देख रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं वीविपोरस एनिमल्स के, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, डियर है एंड डायनासोर्स। ये सारे वीविपोरस एनिमल्स हैं, ये सारे बेबी को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट आता है ओविपोरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच के बर्थ टू देयर यंग वंस थ्रू एग्स। अब ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं वाई किसके थ्रू, एग्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं ओविपोरस एनिमल्स। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक्स, लिजार्ड, टर्टल, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर द एनिमल दैट ले एग। व्हेन दीज एग्स आर हैचिंग, ये एग्स को हैच करते हैं। यंग वंस आर कम आउट थ्रू दी एग्स, उसके बाद यंग वंस एग्स से कम आउट होते हैं, बाहर आते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट वी कैन डिवाइड ओविपोरस एनिमल्स इन थ्री कैटेगरीज। अब अकॉर्डिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग ओविपोरस को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एरियल ओविपोरस एनिमल्स, एरियल ओविपोरस एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स। टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, स्नेक, लिजार्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। एक्वाटिक ओविपोरस एनिमल्स फिश एंड फ्रॉग। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरियल ओविपोरस एनिमल्स। एरियल ओविपोरस एनिमल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स को।
द वर्ड्स सच एज हैन, पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरेट, डक एंड ऑस्ट्रिच, ईटीसी लेइंग एनिमल्स, ये सभी एनिमल्स एग देते हैं, दे बियर देयर यंग्स इन हार्ड शेल, इनका जो एग होता है वो आउटर से हार्ड शेल से होता है, विच वे हैचेस समटाइम, फिर इसको ये हैच करते हैं, अडल्ट बर्ड्स सिट ऑन द एग, और जो अडल्ट बर्ड होती है या मदर बर्ड होती है वो उस पर सिट करती है हैचिंग करने के लिए फॉर द फ्यू डेज, और आफ्टर सम टाइम्स कीप देम वार्म टिल देयर हैचेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनक्यूबुलेशन। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ एन एग्स, एन अब एग्स को इन्होंने फोर पार्ट में डिवाइड किया है, शेल, एवलम, योक एंड एयर सेल्स। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स को हम जैसे कि इंसेक्ट्स, नियर ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एंड लेइंग एग्स, अब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एग देते हैं, इंसेक्ट्स एग्स आर डिपोजिट बाई अडल्ट इंसेक्ट इन द सेफ लोकेशंस, अब इंसेक्ट्स होते हैं वो अडल्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने एग्स को एक सेफ लोकेशन पर रखते हैं, दिस लोकेशन कैन बी एनी वेयर, ये लोकेशंस कहीं भी हो सकती है, लाइक दैट वुड, लीव्स, डर्ट, वाटर, even bodies of human beings and other animals. The eggs are usually stick, और eggs क्या होते हैं आपस में sticks होते हैं, so they can hang on to the surface, उसको हम कहीं भी hang भी कर सकते हैं without falling, जिससे गिरेंगे भी नहीं। Next है some insects such as grasshopper, जैसे कि एक grasshopper insects है and cockroach पास थ्रू द थ्री स्टेज इन द लाइफ स्पर्म्स, अब कॉकरोच और ग्रास होपर्स हैं इनकी थ्री स्टेज होती है लाइफ साइकिल की। फर्स्ट है व्हेन द एग ऑफ कॉकरोच हैच बेबी कॉकरोच कम आउट, जब कॉकरोच है बेबी को हैचेस करता है उसके बाद बेबी कम आउट होता है, दे आर कॉल्ड मैमफेल। सेकेंड है द लुक्स सिमिलर टू एडल्ट कॉकरोच, उसके बाद उसके जैसा ही सिमिलर अडल्ट कॉकरोच होता है, दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स, और वो अपनी स्किन को कई टाइम्स रिमूव कर देता है व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो बड़ा होता है, इज कॉल्ड माउंटिंग। थर्ड है आफ्टर माउंटिंग मैनी टाइम्स, काफ़ी टाइम्स के बाद माउंटिंग करने के बाद दे चेंज इंटू अडल्ट कॉकरोच, उसके बाद वो अडल्ट कॉकरोच हो जाता है। अदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाइज पास थ्रू द फोर स्टेज, इन सब की फोर स्टेज होती हैं इन देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में इनकी फोर स्टेज होती हैं। अब हम नीचे हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये नीचे दी गई है। बटरफ्लाई की फोर स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल की, फर्स्ट है एग, फर्स्ट स्टेज में हम देख रहे हैं, फिगर में भी हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में एग है, एग क्या करता है द फीमेल बटरफ्लाई लेइंग एग ऑन द इन अंडर साइड ऑफ द लीव्स, यानी कि जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो एग्स को लीव्स के अंडर साइड में रखती है। सेकंड है लार्वा, द एग हैचिज द लार्वा कम आउट, जब एग को हैचिस किया जाता है तो वो लार्वा के थ्रू कम आउट होता है, इट ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, उसको हम क्या कहते हैं कैटरपिलर कहते हैं, इट लुक्स लाइक अ वॉर्म, और उसको कैसे वॉर्म की तरह यानी कि कीड़े की तरह वो दिखता है, इट ईट्स लीव एंड ग्रो क्विकली, और ये लीव्स को ईट करता है और बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है। थर्ड है प्यूपा, द कैटरपिलर स्पर्म आर कवरिंग कॉल्ड प्यूपा, अब जो कैटरपिलर है वो एक कवर से कवर्ड होता है, उसको हम प्यूपा कहते हैं, अराउंड इट्सेल्फ अपने चारों तरफ एक बना लेता है, इनसाइड द प्यूपा, प्यूपा के जो अंदर है द कैटरपिलर स्लोली टर्न इनटू अ फुली ग्रोन बटरफ्लाई, और प्यूपा के अंदर ही जो कैटरपिलर है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है एक बटरफ्लाई के रूप में। लास्ट स्टेज आती है बटरफ्लाई, अब क्या है कि व्हेन द प्यूपा स्प्लिट ओपन, और जब प्यूपा खुल जाता है और उसके बाद से वहाँ पे बटरफ्लाई ग्रो कर लेती है और एक बटरफ्लाई के रूप में आ जाती है। नेक्स्ट है इट स्टार्ट फ्लाइंग, और उसके बाद वो फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है, लुक फॉर अ फूड एंड दे लेइंग एग, और उसके फूड के लिए लेइंग एग के लिए, यानी कि वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है, ये लाइफ साइकिल है आपकी बटरफ्लाई की। नेक्स्ट है
अदर एग लेइंग टेस्टियल एनिमल्स, अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो टेस्टियल एनिमल्स हैं लेइंग एग देते हैं. फर्स्ट है क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड एंड स्नेक ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाइंग लेइंग एग. ये सारे एनिमल्स हैं जो कि लेइंग एनिमल्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूशन में लेइंग एग का यूज़ करते हैं. देयर एग हैव हार्ट सेल, इनकी जो एग की सेल होती है वो हार्ट सेल होती है लाइक दैट ऑफ बर्ड्स. क्रोकोडाइल एंड एग्लिलेटर मेक नेस्ट फॉर देयर एग्स. अब ये क्रोकोडाइल एग्लिलेटर है, ये अपने एक एग को रखने के लिए नेस्ट बनाते हैं, वो भी ऑन द ग्राउंड इन सैलो पिट, यानी कि ग्राउंड के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, चाहे वो नियर द रिवर के, मतलब कि रिवर के बैंक के किनारे होता है, रिवर के किनारे पे एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें ये अपना एग्स रखते हैं. आफ्टर लेइंग द एग, एग लेइंग देने के बाद द मदर कवर द एग विद द सैंड. अब जो मदर्स होती है वो सारे एग को वहाँ पर रख देती है और सैंड से उसे कवर कर देती है. ओनली अ फ्यू देन हैच द फॉर सम टाइम, और वो कभी कभी उसको हैचिंग करने के लिए आती है. डू नॉट गेट सफिशियंट हीट, क्योंकि वहाँ पर सफिशियंट हीट होती है. सम आर ईटिंग विद द अदर एनिमल्स, और कभी कभी होता है उसको देखने के लिए कोई अदर एनिमल्स भी उन एग को ईट कर जाते हैं. वेन द एग्स हैच द मदर पिक्स द बेबीज इन हर माउथ, और जब एग्स हैं, एग्स से बेबी बाहर आ जाते हैं, तो जो मदर होती है वो बेबी को अपने माउथ से ले करके ले आती है और वाटर के अंदर छोड़ देती है. शी गार्ड देम सेवरल मंथ्स, और उनकी वो काफ़ी टाइम तक सुरक्षा करती रहती है. नेक्स्ट आता है एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स. एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स में एक्वेटिक एनिमल लिव इन वाटर, हम सब जानते हैं जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं. एनिमल लाइक जैसे कि फिश एंड फ्रॉग, ये एग देते हैं वाटर के अंदर. फर्स्ट पढ़ेंगे हम फिश के बारे में. फिश लेइंग थाउजेंड ऑफ एग्स एट अ टाइम, यानी कि फिश एक समय में थाउजेंड एग देती है. फ़िश लेइंग थाउजेंड ऑफ एग्स एट अ टाइम, यानी कि फ़िश है एक टाइम में बहुत थाउजेंड ऑफ एग्स देती है. मैनी फिशेज लेइंग एग ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज और अमॉन्ग द वाटर प्लांट्स. बहुत सारी ऐसी फिशेज होती हैं जो बॉटम बॉडी, यानी कि वाटर के अंदर जो बॉडीज हैं या फिर वाटर में जो प्लांट्स हैं उनमें अपना एग देती हैं. सम फिश हैव एडहेसिव एग्स. अब कुछ फिश ऐसे होते हैं जिनके जो एग्स होते हैं आपस में स्टिकली होते हैं, चिपके होते हैं. दे गिव्स स्टिक टुगेदर टू अ बंच, और एक एक बंच टाइप का बना लेते हैं. द यंग वंस इन द एग ग्रो, जो यंग वंस होते हैं वो एग ग्रो करते हैं एंड हैच इनटू अ वेरी स्मॉल बेबी फिशेस, और वो एक वेरी वेरी स्मॉल फिशेस को देते हैं बेबी. और जो बेबी फिशेस होते हैं उनको हम फ्राइज कहते हैं. Not all the fries go into the adult fish, और जो सारी जो fries होती हैं वो adult fish नहीं बनती हैं. As a most of bone eaten are, कुछ तो जो baby fish होती हैं fries होती हैं उनको other fish खा जाती हैं, या other aquatic animals हैं वो उनको eat कर जाते हैं. Next है frog. Frog lay their eggs in water. जो frogs हैं वो water के अंदर अपने eggs को देते हैं. The floating clump of the egg is called frog sperm. और जो floating clumps होते हैं, जो कि eggs होते हैं, उनको हम frog sperm कहते हैं. Next है life cycle of a frog. Frog की life cycle कैसी होती है. Eggs a jelly like converting protects the egg. अब जो कि जो eggs है वो jelly covering protect egg होते हैं, एक दूसरे से कवर्ड होते हैं. द एग स्लोली डेवलप इन टू अ एम्ब्रोस. ऑर्गन एंड गिल्स बिगेन टू फॉर्म इन द एम्ब्रोस. द योक इनसाइड द एग्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ. और जो ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स में होते हैं उनके, जो योक होता है इनसाइड द एग प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, और योक के अंदर जो होते हैं उनको न्यूट्रिएंट देते हैं ग्रोथ करने के लिए. सेकेंड स्टेज है टैडपोल. आफ्टर इट्स डेवलपिंग पीरियड द एम्ब्रोइड लीव्स इट्स जेली सेल. अब उसके बाद जब डेवलपिंग पीरियड आ जाता है तो जो एम्ब्रोइज है वो जेली सेल में हो जाते हैं. अटैच इट्स सेल्फ टू बीड इन वाटर, और वाटर में बीड्स देने लगते हैं. इट क्विकली बिकम टू टैडपोल, और वो टैडपोल के फॉर्म में आ जाते हैं. और अ बेबी फ्रॉग इज कॉल्ड लॉन्ग टेल, और बेबी फ्रॉग होती है उसकी एक लॉन्ग टेल होती है. द टैडपोल ग्रो विद द वीड अंटिल द बिग एनफ टू ब्रेक फ्री इन टू अ वाटर. इट फीड ऑन स्मॉल प्लांट्स, और वो छोटे छोटे प्लांट्स को फीड करते हैं, खाते हैं. थर्ड स्टेज है फ्रॉग. आफ्टर अबाउट फाइव वीक्स
पाँच वीक के बाद, फाइव वीक्स के बाद लेइंग बिगिंग टू ग्रो, और जो लेइंग बिगिंग है वो ग्रो करने लगते हैं, द टेल बिकम स्मॉलर, और उनकी टेल है वो छोटी होती जाती है, स्मॉलर होनी जाती है, फाइनली वैनिश। लंग्स बिगिन टू डेवलप, उनके लंग्स डेवलप होने लगते हैं, प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन द लैंड, फाइनली फुली डेवलप फ्रॉग विद द लंग्स, और जो फुली डेवलप फ्रॉग से जाते हैं तो उनके लंग्स एंड एग्स होप वन फ्रॉम द वाटर्स। हैज वी ऑब्जर्व द यंग टैडपोल लुक्स मोर लाइक अ फिश देन द फ्रॉग, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द टैडपोल टू अ फ्रॉग इज नोन एट मेटावोलोसिस, मेटावोलोसिस सीन द बटरफ्लाइज एंड द फ्रॉग्स। ये चार्ट दिया गया है ओविपोरस एनिमल्स का, जिसमें लेइंग एग्स हैं, लेइंग एग्स टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड शेल एग्स एंड एड्रेसिव एग्स। हार्ड शेल एग्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरियल ओविपोरस एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स। एड्रेसिव एग्स में एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, एक्वेटिक एनिमल टू टाइप्स के होते हैं, फिश एंड फ्रॉग, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सिक्स टाइप्स के होते हैं, टर्टल, एग्रीगेटर, लिजार्ड, इंसेक्ट्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स। एरियल ओविपोरस एनिमल्स में बर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंट केयर इन एनिमल्स, पेरेंट्स कैसे केयर करते हैं अपने एनिमल्स की, मतलब अपने बेबीज की। फर्स्ट है टर्टल लेइंग हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ नाइट एंड बरीड देम द सैंड, जो टर्टल्स हैं वो 100 एग्स देते हैं नाइट में और सैंड के अंदर उसको बरीड कर देते हैं। स्नेक कॉइल्स अराउंड द एग एंड अटैक एनिमल्स दैट कम क्लोज, स्नेक क्या करता है अपने एक कॉइल बना लेता है, उसके अंदर अपने एग को रखता है और उसकी केयर करता है। थर्ड है मेल सी हॉर्स यूज इट पुंच टू द स्टोर्स एग एंड लुक्स आफ्टर देम अंटिल द हैचेस। फोर्थ है फिश ले अ लॉट ऑफ एग्स एट अ टाइम, फिश है एक टाइम में बहुत सारे एग्स देती है, क्लोज अ वाटर प्लांट, वाटर प्लांट के अंदर टू हाइड इन देम, सम फिशेस कीप देयर यंग्स इन देयर माउथ। फिफ्थ अ काउ यूज इट्स हॉर्न, काउ अपने हॉर्न का यूज़ करती है टू अटैक एनी हुज कम क्लोज इन यंग वंस, अगर उसके यंग वंस के पास कोई भी आता है तो अपने हॉर्न्स का यूज़ करके उसको प्रोटेक्ट करती है। सिक्स है कैट्स फाइट अटैकर with their club and move their kitten to safely place to place kitten in the reserve. Cat क्या करती है, अगर कोई attack करना आता है तो अपने पंजे से अपने baby की safe करती है और उसको एक जगह safe जगह ले जाकर पहुँचा देती है जहाँ पर उसे कोई disturb ना करे। Third होता है kangaroo carries its young, अपने kangaroo है अपने youngs को एक पंच के अंदर यानी कि उसके पेट में एक bags होता है उसके अंदर रखता है safe करने के लिए। एट है मोस्ट वर्ड बिल्ड नेस्ट टू द प्रोटेक्ट एग, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे वो अपने एग को प्रोटेक्ट करते हैं विद द बैड वेदर, खराब मौसम के लिए एंड प्रीडेटर के लिए। बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर बाय द लीस्ट वन पेरेंट्स अंटिल दे आर एबल टू फ्राई एंड गेट देयर ऑन फूड्स। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, थैंक यू।